हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे। नवोदय विद्यालय की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उसके लेके, सिलेबस को लेके आप लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट किए, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और बहुत से हमारे सब्सक्राइबरों ने कमेंट करके हमें हिंदी के सिलेबस के बारे में पूछा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सर हमें हिंदी के सिलेबस बताइए, और भी सब्जेक्टों के सिलेबस के लिए हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं। मैं प्रयास करता हूँ आपके सारे कमेंटों का जवाब दे दूँ, और तो देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इतने सारे कॉमेंट आ जाते हैं कि मैं गिने चुने सब कॉमेंटों को ही रिप्लाई दे पाता हूँ और उस पर वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि ये वीडियो हमारी स्पेशली PGT हिंदी सब हिंदी की जो सिलेबस है, डिटेल सिलेबस जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उस पर यह वीडियो हमारी आधारित है। और इसके अलावा इसकी PDF फाइल भी मैं लिंक पे दे दूंगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट आप लोग वहां से उसे डाउनलोड करिए और वहां से आप उसे प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। उस PDF लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जहाँ पे आप जाके वे सारे सब्जेक्टों के सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और हिंदी के सिलेबस के लिए हमारे पास बहुत सारे डिमांड आए थे, जिसमें हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने, सीमा राज जी ने कहा है कि हिंदी सब्जेक्ट का PDF सर उन्हें चाहिए, तो उनके लिए मैं PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और उनके सिलेबस भी चाहिए था PGT का, तो उसका सिलेबस भी मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। विजय सिंह हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने, सर हिंदी का सिलेबस भी सेंड कर दो। हिंदी का सिलेबस मैं कहाँ सेंड कर दूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ विजय जी, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और विद्या परमार ने भी NVS PGT हिंदी के लिए, इन्होंने भी यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में कहा है, तो उनके लिए भी मैंने इस सिलेबस की वीडियो लेके आया हूँ। और श्वेता सिंह एक सब्सक्राइबर, उन्होंने भी कहा है, ओम प्रकाश जी के भी यहाँ पे, बेसिकली हिंदी के PGT हिंदी के कमेंट हमें ज़्यादा मिले थे, तो मैं उस पर वीडियो ला रहा हूँ। अगर आपको भी किसी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के सिलेबस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स करिए, उस पर मैं डिटेल सिलेबस बनाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी सुविधा हो सकती है। ठीक, आइए हम देखते हैं आज के PGT हिंदी के सिलेबस के, और आप लोग को ये वीडियो कैसे लग रही है। अगर अच्छी लग रही तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर क्यों, क्योंकि टीचर डोमिनेंट चैनल है, जिस पे आपको टीचर भविष्य में अगर बनना चाहते हैं तो टीचर की समस्याओं से, टीचर के एग्जाम से सारी यहाँ पे सूचनाएं आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, और उसके लिए आपको बस हमारे चैनल से जुड़ जाना है और हमें सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक, आइए हम आप सिलेबस पे बात करें। अगर सिलेबस में बात करें हिंदी सिलेबस की, PGT हिंदी पे जो NVS का है, PGT पे हम बात करेंगे, PGT हिंदी सिलेबस पे केवल हमारी आज की वीडियो रहेगी। तो ये PGT हिंदी सिलेबस की अगर हम बात करें, तो PGT हिंदी में अगर हम देखें तो PGT हिंदी में आपको 3 पार्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक, पहले पार्ट में तो आपका साहित्य आता है, साहित्य हो जाएगा, दूसरे में व्याकरण हो जाएगा, ठीक, और तीसरा जो है लेखन कौशल, लेखन कौशल से संबंधित है। 3 चीज़ों का मिला के आपको टोटल रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। तो हिंदी के सिलेबस पे अगर हम देखते हैं तो आपको इन तीनों पार्टों में से 35-35 या 30-30 के क्वेश्चन रहेंगे, 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 100 प्रश्न में के मार्क्स 100 रहेंगे। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए, अब आइए इस सिलेबस की मैं PDF लिंक में भी दे दूंगा, आप उसे वहाँ जा सकते हैं और प्रिंट आउट करा के आप इसे रख सकते हैं। ठीक, मैं एक थ्रोली वे में, इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है PGT का, मैं थ्रोली वे में आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा और वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं या उसे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, देखिए हिंदी खंड क यानी भाग एक में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास और पढ़ना पड़ेगा, जिसमें इतिहास और साहित्य से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे आपके। ठीक, जो आपका है इतिहास और साहित्य के खंड क में रहेंगे। ठीक, इसके अलावा हिंदी साहित्य के इतिहास के विस्तृत अध्ययन आपको करना पड़ेगा। ठीक, इसमें आदिकाल से रीतिकाल तक, ठीक, इसके अंतर्गत कालगत परिस्थितियाँ एवं साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रत्येक युग के साहित्य के प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ, साहित्य विशेषताएँ, भाषा शैली, और जितने भी आदिकाल से रीतिकाल तक जितने भी रहते हैं उनके विशेषकर जितने उसमें आप देख लेंगे कि कितने राइटर हैं और क्या हैं, उनकी सभी
कवियों की, साहित्यकारों की रचनाओं में आपको उसका डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा इस चीज के लिए, जिसमें से आपको आदि काल में चंद बरदाई, अमीर खुसरो विद्यापति, भक्ति काल में निर्गुण भक्तिधारा, ज्ञान गार्गी शाखा, प्रेम गार्गी शाखा, कबीर, दादू, रैदास, नानक, जैसे और कुतुबन को पढ़ना पड़ेगा, और शगुर भक्ति सागर में राम भक्ति शाखा और शरण भक्ति शाखा, तुलसीदास, केशव, सूरदास, मीराबाई, अष्टछाप के कवियों का अध्ययन आपको करना पड़ेगा। रीति काल में आपको रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त काव्य, देव, घनानंद बिहारी, मतिराम, सेनापति, भूषण और पद्माकर, ये सब को आपको देखना पड़ेगा। और आधुनिक काल में आपको युगनी परिस्थितियों पर देखना पड़ेगा। साहित्य की पृष्ठभूमि, आधुनिक काल में मुख्य विचारधारा, मुख्य साहित्य, साहित्यिक रचनाएँ, विशेषता, भाषा शैली, इसके अंतर्गत ये आपको देखना पड़ेगा। और इस आधुनिक में भारतेंदु, युग में भारतेंदु, हरिश्चंद, बालमुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, इनका भी है, उसको देखना पड़ेगा। और द्विवेदी युग में महावीर प्रजा द्विवेदी जी की रचनाएं उनके आप लोग देख लीजिएगा, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त। और छायावादी कवियों में जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आपको पढ़ना पड़ेगा। और घर भाग में देखिए प्रगतिवादी कवियों पंत निराला, नरेंद्र शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल और नागार्जुन, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ सकती हैं। इस और प्रयोगवाद में मुक्तिबोध, प्रयोगवाद में आपको मुक्तिबोध, नमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुंवर माथुर, रविलास, रामविलास शर्मा, अगे, नई कविताओं भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा, धूमिल, धनवीर और भारती, धर्मवीर भारती और शंभुनाथ सिंह। गद्य साहित्य में आपको विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत गद्य एवं अन्य विधाओं के प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख साहित्य और निबंध में, कथा साहित्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, रेखचित्र, संस्मरण, यात्रा वृतांत, आत्मता, जीवनी पत्र, डायरी, आलोचना, रिपोर्टाज आदि, इन सभी विधाओं का विस्तृत परिचय आपको देखने की जरूरत है। हिंदी साहित्य में काव्य साहित्य पर आधारित तीन प्रश्न रहेंगे, जिसमें निम्नलिखित कवियों प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में के लिए एवं काव्यांशों पर आधारित संप्रसंग व्याख्या, भाव सौंदर्य से रिलेटेड प्रश्न आपको रहेंगे, इसको देख लीजिएगा। संप्रसंग व्याख्या एवं भाव सौंदर्य विषय परक प्रश्न आपको तैयार करने की जरूरत है। अब शिल्प सौंदर्य में आप देख लीजिए, शिल्प सौंदर्य में वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें अमीर खुसरो, विद्यापति, सूरदास, तुलसी, कबीरदास, जायसी, मीराबाई, रसखान, गणानंद बिहारी, भारतेंदु, मैथिली चंद्रगुप्त, दिनकर, ये आदि कवि हैं, आप इनको देख के नोट कर लीजिएगा। और एमए तक के पाठ्यक्रम पढ़ी उपरोक्त कविताओं का प्रसिद्ध कविताएं, जो आप पीजी लेवल पे, एमए लेवल पे इनकी कविताएं पढ़ी हैं, उन कविताओं को एक बार आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, इसके अलावा निम्नलिखित गद्य रचनाओं लेखों को प्रसिद्ध रचनाओं में से व्याख्या से संबंधित अंश, आशय, स्पष्टीकरण शैली आधारित प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब संप्रक व्याख्या एवं आशय स्पष्टीकरण आधारित दो विषय परक प्रश्न रहेंगे, भाषा और शैली पर आधारित रहेंगे। और भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, हरिप्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर पारसी, रामविलास पासवान, ये सब इनकी है, जो है आपको इनकी भाषा शैली देखने की जरूरत है। अब देखिए कवियों एवं लेखों को व्यक्तिगत, व्यक्तित्व एवं औचित्व पर आधारित प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें जीवन परिचय, साहित्य रचनाएं, भाषा शैली पर आधारित होंगे। अब खंड क बेसिकली इतिहास और साहित्य पे प्रश्न बेश ज़्यादा रहेंगे। और खंड ख में देखिए यह व्याकरण रचना है, आपको व्याकरण रचना भी पढ़नी पड़ेगी, शब्द विचार और भंडार, जिसमें शब्द के भेद, पर्यायवाची उपवाची आप देख लीजिएगा, शब्द युग्मक, शब्द निर्माण, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पद विचार, पदबंध और पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, क्रिया एवं क्रिया विशेषण, यानी व्याकरण पूरा आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, पद के भेद एवं पद परिचय। ठीक, और जिसमें इसके आगे चलेंगे तो वाक्य विचार, वाक्य संरचना, वाक्य भेद, वाक्य परिवर्तन, वाक्य संश्लेषण एवं विशेषण, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए आगे जब जैसे हम बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे संधि से मुलाकात होगी, संधि के पूरे रूप और उसके देखना पड़ेगा, इसमें पैसेज भी आएंगे, अपठित बोध में काव्यांश पर आधारित पैसेज रहेंगे, गद्यांश भी रहेंगे। ठीक, गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सामाजिक विषयक वर्णमाला ऐसे रहेंगे, काव्यशास्त्रीय अध्ययन भी करेंगे, इसमें छंद उंद के ज्ञान भी आपको चाहिए, रस भी पढ़ना है, शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद, अलंकार, अलंकार से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही हैं। ठीक, और आखिरी पार्ट में अगर बात करें, देखिए इसकी PDF फाइल मैंने दी हुई नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। ठीक,
आखिरी पाठ लेखन कौशल। लेखन कौशल में पत्रकारिता संबंधी विषय पे रहेंगे, प्रिंट माध्यम, समाचार संपादकीय, रिपोर्ट, आलेख, फीचर लेखन। फिर आगे करेंगे तो साक्षात्कार, रेडियो एवं दूरदर्शन के लिए लेख, विज्ञापन लेख, ठीक, उद्घोषणा, स्वागत भाषण, संगोष्ठी संचालन, व्यवहारिक लेखन पर एक विषय परक प्रश्न रहेंगे जिसे देखने को आपको मिल सकते हैं। व्यवहारिक हिंदी के स्वरूप, प्रयोजन मूलक हिंदी उसके विविध आयाम, कार्यालय हिंदी और उसके विविध आयाम, प्रतिवेदन, अर्थ, प्रमुख तत्व, विशेषता, प्रकार और प्रतिवेदन के लेखक, और कार्यसूची, आपको कार्यसूची देखना पड़ेगा, कार्यसूची कैसे तैयार किया जाता है, इसका नमूना क्या होता है, कार्यक्षता के रूप और निर्माण, सार्वजनिक लेखन, मौलिक अभिव्यक्ति, विषयवर्ग प्रश्न रहेंगे। ये चीज़ें रहेंगी लेखन की कौशलता से आधारित आपको, और आगे देख लेंगे कहानी एवं कविता का रूपांतरण, अनुवाद, अनुभव आधारित लेखक, और आखिरी में विभिन्न दक्षताओं विकास हेतु विषय परक प्रश्न, वार्तालाप, दक्ष विकास हेतु संवाद लेखक, कोई भी सामाजिक विषय द्वारा कहानी कविता लेखनी। बेसिकली आपकी लेखन कौशल को इसमें परखने का यह आयाम है। ये देखिए हिंदी का पूरा सिलेबस है, आप लोग इसे देख सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे खंड किए गए हैं, कौन कौन राइटर पढ़ने हैं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी हिंदी की सिलेबस रही, मैं इसे बहुत फास्ट में बताया हूं, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको इसकी डिटेल अच्छे से पढ़नी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए, और आप इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से इसकी पीडीएफ फाइल आप लोग डाउन कर सकते हैं। ओके, आप लोग हमारे साथ